1886 में फ्रांस की ओर से दोस्ती के प्रतीक के तौर पर आज ही के दिन स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को भेंट की गई थी। फ्रांस के लोगों की ओर से मिले इस तोहफे को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ग्रोवर क्वीनलैंड ने अपनी जनता की ओर से स्वीकार किया था। इस मूर्ति को मूल रूप से लिबर्टी इनलाइटनिंग द वर्ल्ड कहा गया। इस मूर्ति की परिकल्पना फ्रांसीसी इतिहासकार एडुआर्ड डी लाबूले ने अमेरिकी क्रांति के दौरान स्थापित हुए फ्रेंको अमेरिकन सहयोग के प्रतीक स्वरूप बनाने की सोची थी। 181 फुट लंबी इस मूर्ति को एक ऐसी महिला का स्वरूप दिया गया जिसके हाथ में एक मशाल ऊंची उठी हो। इस विशालकाय मूर्ति के स्टील के ढांचे को दो मशहूर फ्रांसीसी वास्तुकारों यूजेन इमैनुअल वियोले लेडुक और अलेक्जेंड्रे गुस्तोव आईफेल ने तैयार किया था। आईफेल वही डिजाइनर हैं जिन्होंने पेरिस की विश्व प्रसिद्ध संरचना आईफेल टावर को भी डिजाइन किया है। 1870 में अमेरिकी कांग्रेस ने न्यूयॉर्क में एक द्वीप पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लगाए जाने की अनुमति दी। 1884 में फ्रांस में मूर्ति बनकर तैयार हुई थी। 1885 में इसे करीब 200 टुकड़ों में पैक कर अमेरिका लाया गया। न्यूयॉर्क हार्बर में जोड़कर इसे दोबारा खड़ा किया गया। 1886 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति क्लीवलैंड सहित अमेरिका और फ्रांस के कई गणमान्य लोगों के बीच स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देश को सौंपा गया। उन्नीस में आज ही के दिन अमेरिकी शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट में भारी गिरावट देखी गई। कुछ बैंकों के लड़खड़ाने के बाद निवेशक जल्द से जल्द पैसा निकालने लगे। 28 और 29 अक्टूबर के कारोबार में ही बाजार 24% लुढ़क गया। इसे अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट माना जाता है। सैकड़ों बैंक दांव पर लग गए। नौकरियों में कटौती शुरू हो गई। हालात पर काबू पाने के लिए अमेरिका ने संघी बैंक से दखल दिया लेकिन इनका कोई असर नहीं दिखाई पड़ा। देखते ही देखते अमेरिका के 4000 बैंक बंद हो गए। कर्जदारों ने पैसा नहीं लौटाया तो बैंकों से जमाकर्ताओं ने सारा पैसा निकाल लिया। बैंकों के धराशायी होते ही कारोबार भी बैठ गया और इसका असर 1930 से 1933 के बीच यूरोप में भी देखा गया। यूरोप के भी बाजार और बैंकों से अचानक पूंजी गुम हो गई। इसके बाद जगह जगह बेरोजगारी दिखने लगी और विश्वव्यापी मंदी हो गई। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार खत्म हो गया। मंदी 10 साल चली और इससे उपजी बेरोजगारी ने जनाक्रोश के साथ साथ फांसीवाद नाजीवाद को बढ़ावा दिया। आखिरकार पूरी दुनिया 1939 में मंदी के दौर से बाहर निकली। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने के साथ सेना और नागरिक सुरक्षा से जुड़ी हर चीज़ की मांग बढ़ गई। बड़ी मांग ने कारखानों और उद्योगों को रफ्तार दी। औद्योगिक केंद्रों में एक बार फिर चहल पहल दिखने लगी। एक तरफ जहां नौकरी के अवसर पैदा हो रहे थे तो दूसरी तरफ हमले हो रहे थे। ना चाहते हुए इस विश्व युद्ध में 30 से ज़्यादा देशों को कूदना पड़ा। 6 साल तक चले इस युद्ध में 5 से 8.5 करोड़ लोग मारे गए। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ लेकिन तब तक शीत युद्ध का बीज पड़ चुका था। करीब 5 दशक तक चले शीत युद्ध ने आतंकवाद को जन्म दिया। उन्नीस में आज के दिन क्यूबन मिसाइल संकट का अंत हुआ था। सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता निकिता खुर्शेव ने मॉस्को के सरकारी रेडियो से घोषणा की थी कि उनका देश अमेरिका के निशाने पर सदी क्यूबा में तैनात परमाणु मिसाइलें हटा लेगा। शीत युद्ध के जमाने की महाशक्तियां दुनिया को परमाणु युद्ध की तरफ खींच रही थीं, लेकिन इस घोषणा के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। सोवियत नेता की इस घोषणा के बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने इस कदम का स्वागत किया। कैनेडी ने इस बात का भी वायदा किया कि अमेरिका बदले में वामपंथी शासित क्यूबा पर हमला नहीं करेगा। साथ ही क्यूबा के चारों तरफ की गई अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी भी हटा ली जाएगी। दरअसल ये सारा संकट 14 अक्टूबर को शुरू हुआ था जब अमेरिका के 2 जासूसी हवाई जहाज़ों को पता लगा कि क्यूबा की धरती पर कई ऐसी मिसाइलें तैनात हो गई हैं जो अमेरिका की धरती पर आसानी से पहुंच सकती हैं। इसके बाद बौखलाए अमेरिका ने इस तैनाती की निंदा की और क्यूबा की नौसैनिक नाकेबंदी कर दी। कैनेडी ने इस बात की भी धमकी दी कि अगर अमेरिका पर क्यूबा ने हमला किया तो अमेरिका सीधे सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध छेड़ देगा। चीन ने सोवियत संघ के इस फैसले की निंदा की और कहा कि चीन क्यूबा के साथ हर अच्छे और बुरे समय में रहेगा। और 2001 में पाकिस्तान के एक चर्च में नकाबपोश बंदूकधारियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुए हमले में 17 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पाकिस्तान के इतिहास में ईसाइयों पर हुए सबसे बड़े हमले में से यह एक था। इस हमले के पीछे किसका हाथ था इसका पता फौरन नहीं चल पाया। इस हमले में बचने वालों से बस इतना पता चल पाया कि हमलावरों ने गोलियां चलाते हुए ये कहा था कि पाकिस्तान ईसाइयों की कब्रगाह बन जाएगा। पाकिस्तान के ईसाई समुदाय देश की कुल आबादी का महज 1% है। 2002 में पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस का दावा था कि ये लोग प्रतिबंधित सुन्नी संगठन लश्करे जांगवी के सदस्य थे और चर्च पर हमले के पीछे इनका हाथ था।